तो भाई लोग आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांड पे बनाया जा रहा है। एक तरफ ये है भाई मोटो का G54 5G और दूसरी तरफ ये है इन्फिनिक्स का Note 30 5G। अब दोनों ही फोन को लेके मार्केट में भाई बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है क्योंकि दोनों ही फोन लगभग सिमिलर प्राइस रेंज पे आपको देखने को मिलता है और इसलिए दोनों ही फोन को लेके मेरे वीडियो में बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन लू, कौन सा फोन मेरे लिए बेस्ट होगा अंडर 15,000। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से जानते हैं कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक का टारगेट 1000 सेट करता हूँ, उससे ज्यादा ही कंप्लीट करवा देना। तो सबसे पहले हम लोग दोनों ही फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी साइड बाय साइड देख लेते हैं। आप यहाँ पर मोटो और भाई इन्फिनिक्स का जो डिजाइन है वो आप स्क्रीन में देख सकते हो। दोनों ही का जो बॉडी है दोस्तों आपको प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट के साथ मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों का जो फ्रेम है ना वो आपको अलग अलग मिलता है। मोटो में आपको जो है यहाँ पर कर्वी टाइप का फ्रेम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको फ्लैट फ्रेम देखने को मिलता है। और दोनों ही का बैक पैनल दोस्तों मेट फिनिशिंग के साथ आता है, लेकिन अगर डिजाइन की बात करें तो मुझे यहाँ पर सिंपल टाइप का डिजाइन मोटो में देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स का जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो थोड़ा सा बड़ा किया है, देखने में थोड़ा सा यूनिक बनाया गया है। और दोनों ही फोन का अगर आप फ्रंट साइड देखोगे गाइस तो दोनों ही फोन में आपको सेंटर पंच और डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। अब यहां पर दोस्तों आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है वो भाई आप खुद से चूज कर लेना, क्योंकि डिजाइन भाई अपने अपना हिसाब से है, मतलब किसी को कोई भी पसंद आ सकता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें गाइस तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी दोनों ही का आपको प्लास्टिक का मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप हाथ में पकड़ोगे ना मोटो का फोन में ना भाई कर्वी टाइप का फ्रेम है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगा इन्फिनिक्स से। और हां दोनों ही फोन जब आप साइड बाय साइड हाथ में लोगे तो आपको यह भी पता चलता है कि भाई इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा सा आपको भारी सा फील होगा मोटो से, लेकिन गाइस इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा सा ज्यादा पतला भी है। लेकिन अगर आप यहां पर मोटो का फोन देखोगे तो 6000 mAh बैटरी को होने के बाद भी फोन का वेट काफी कम रखा है और साथ में दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको यह फोन मोटा देखने को मिलता है। अब अगर आपका हाथ थोड़ा सा छोटा है दोस्तों तो यहां पर इन्फिनिक्स का फोन का साइज जो डिस्प्ले का साइज है 6.78 इंच का, तो थोड़ा सा बड़ा साइज का है, जिसकी वजह से अगर आपका हाथ अगर छोटा है ना तो आपको भाई दो हाथ लगाना पड़ेगा मोबाइल यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप मोटो का फोन देखोगे तो 6.5 इंच का डिस्प्ले के साथ आता है, थोड़ा सा मतलब परफेक्ट साइज इसको कह सकता हूं, और जिसका हाथ छोटा भी है वो भाई सिंगल हाथ में इसको यूज कर सकता है। तो ये भाई अपने हिसाब से आप देख लेना। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप दोनों ही फोन का सिम स्लॉट देखोगे तो भाई मोटो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देता है, मतलब यहां पर आप एसडी कार्ड एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इन्फिनिक्स एक अच्छा गुड न्यूज के साथ आता है क्योंकि यहां पर डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देता है। और उसके बाद भाई डिस्प्ले में नजर दोगे तो भाई इन्फिनिक्स और मोटो दोनों ही फोन में आपको एलसीडी पैनल मिलता है, दोनों ही फोन में फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है। दोनों ही फोन का जो ब्राइटनेस है वो मुझे ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिला, 550 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस दोनों ही फोन में मिलता है। और दोनों ही फोन में दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि काफी अच्छा वर्क करता है। और यूट्यूब में कंटेंट देखने के टाइम दोस्तों मुझे यहां पर जो डिटेल्स वगैरह है ना वो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, इन्फिनिक्स में थोड़ा सा पंची है बट ठीक है। और दोनों ही फोन में आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मोटो में आपको पंडा ग्लास का प्रोटेक्शन मतलब मोटो ने बताया कि दिया है, लेकिन इन्फिनिक्स ने कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं किया है। तो यह चीज आप ध्यान में रखना, अगर आप इन्फिनिक्स का फोन लेने जा रहे हो तो वहां पर आप अलग से मतलब ग्लास लगवा लेना, क्योंकि वहां पर कुछ भी ऐसा इन्फिनिक्स ने बताया नहीं। और एक चीज भाई, जिसको मतलब ज्यादा मूवीज देखना अच्छा लगता है उसको बड़ा डिस्प्ले में मूवी देखना पसंद आएगा ना, तो यहां पर इन्फिनिक्स का डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा बड़ा साइज का है, तो वो भी आप मतलब ध्यान में रखना फोन लेने से पहले। अब दोनों फोन में जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो दोनों फोन का यूआई है दोस्तों। इन्फिनिक्स में आपको पता ही है XOS के साथ आया है, एंड्रॉइड 13 है, और यहां पर मोटो में भाई क्लीन यूआई मोटो का दिया गया है, जहां पर किसी भी तरह का एड या फिर ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता है। लेकिन इन्फिनिक्स का फोन में आपको थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिलता है गाइस, और आपको पता है गाइस कि क्लीन यूआई जो रहता है ना उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिलता है। अब ये मैं आपको बिल्कुल ही नहीं कहूंगा कि भाई इन्फिनिक्स का फोन में बहुत ज्यादा एड हमें देखने को मिलता है, बट हां थोड़ा बहुत आपको मिलता ही होगा क्योंकि आपको क्लीन यूआई तो नहीं मिलता है इन्फिनिक्स का फोन में, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है गाइस। बाकी अपडेट की बात करें गाइस तो मोटो ने कहा है कि भाई 1 ईयर का अपडेट मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 14 तक जाएगा, और इन्फिनिक्स भी वही सेम कहा है। अब दोस्तों यहां पर दोनों फोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई दोनों फोन में हम लोग गेम खेलेंगे तो कौन सा बेटर एक्सपीरियंस हमें निकाल के देगा, तो देखिए दोनों फोन में अलग अलग चिपसेट यूज किया गया है दोस्तों। मोटो में हमें देखने को मिलता है डायमेंसिटी 7020 का एक ऐसा चिपसेट जो कि इस बजट में हमें दूसरा किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स भाई यहां पर डायमेंसिटी 6080 का चिपसेट दिया है जो कि एक अच्छा चिपसेट है, मतलब इस बजट में हमें बहुत सारा फोन में देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। और अगर आप इसको डे टू डे यूज में मतलब टेस्ट करके देखोगे ना तो दोनों ही फोन में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो भाई हाँ मोटो थोड़ा सा बेटर आपको अंतुतु स्कोर वगैरह निकाल के देता है, लगभग 4.5 लाख का अंतुतु
तो इसको निकाल के देता है। और एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि दोनों ही फोन का मैंने अनबॉक्सिंग चैनल पर डाल के रखा है, अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। बाकी गाइस अगर आप कनेक्टिविटी की बात करोगे तो दोनों ही फोन 5G के साथ आया है, तो भाई दोनों ही फोन में कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं, आपको 14-14 बैंड मिल जाता है, ट्रू 5G दोनों ही फोन में यूज कर पाते हो। लेकिन गाइस बैटरी में नजर दोगे तो भाई अंतर आपको देखने को मिलेगा ऑन पेपर, क्योंकि यहां पर मोटो भाई क्लेम कर रहा है कि भाई 6000 mAh का बैटरी के साथ आया है, 33 वाट का चार्जर दिया है, टाइप सी पोर्ट भी आपको मिल जाता है। लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स का फोन में हमें 5000 mAh का बैटरी मिलता है दोस्तों, और यहां पर 45 वाट का चार्जर के साथ बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, तो ये बहुत बड़ा अंतर आपको बैटरी डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। लेकिन दोनों ही फोन को मैंने पर्सनली यूज किया है दोस्तों, तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि भाई मोटो का फोन 6000 mAh बैटरी है तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है, थोड़ा अंतर है लेकिन इतना नहीं कि भाई 6000 mAh बैटरी है तो बहुत ही ज्यादा दे रहा है। लेकिन गाइस यहां पर इन्फिनिक्स का फोन में एक प्लस पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया भाई यहां पर बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप गेम खेलते टाइम चार्ज में फोन को लगाते हो भाई फोन बहुत ज्यादा हीट या फिर बूम नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, बट मोटो का फोन में ये देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब फाइनली जिसके बारे में आप लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट किया है कि भाई दोनों ही फोन में कैमरा किसका बेटर है, तो देखिए दोनों ही फोन में अलग अलग कैमरा सेंसर भी मिलता है। इन्फिनिक्स में आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जहां पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और AI सेंसर दिया गया है LED लाइट के साथ। मोटो में दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया है, साथ में आपको OIS मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मतलब ड्यूल रियर कैमरा है दोस्तों, लेकिन दोनों ही सेंसर यहां पर काम का यूज किया गया है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं फोटो की बात करूं तो साइड बाय साइड मैं आपको फोटो वगैरह भी शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन में देख सकते हो गाइस। यहां पर दोस्तों मतलब डिटेल्स में बहुत ज्यादा अंतर तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन हां कभी कभी आपको यहां पर मोटो का फोन का जो कैमरा है थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस निकाल के देता है, बेटर डिटेल्स निकाल के देता है, कलर वगैरह अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। और इन्फिनिक्स का अगर आप देखोगे तो इन्फिनिक्स का भी बहुत बुरा नहीं है, बट ओके सा कहूंगा, मतलब बहुत ज्यादा अंतर आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप रात में फोटो खींचोगे तो मोटो का फोन का कैमरा जो है वो आपको बेटर निकल के देता है दोस्तों, मतलब डिटेल्स वगैरह और कलर वगैरह सब कुछ अच्छे से मतलब एडजस्ट कर लेता है। बाकी दोस्तों अगर सेल्फी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और दोनों ही का जो सेल्फी फुटेज है दोस्तों वो आप यहां पर देख सकते हो, फोटो वगैरह कैसे निकल के आता है वो आपके सामने है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि मोटो का फोन में आपको OIS मिल जाता है, जिसकी वजह से आप भाई काफी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हो, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए भाई मोटो एक अच्छा ऑप्शन है। बट मोटो में आपको 1080 पिक्सल में 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, और इन्फिनिक्स में आपको 2K 30 FPS का मैक्सिमम ऑप्शन देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट अगर स्पीकर की बात करोगे गाइस, दोनों ही फोन में आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाता है, स्टोरेज स्पीकर है, लेकिन दोनों ही फोन में अलग अलग फीचर्स को ऐड किया है, जैसे कि मोटो में आपको डॉल्बी एटम्स देखने को मिल जाता है, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको JBL का सपोर्ट मिलता है। लेकिन भाई अगर आप क्लियर लाउड मतलब साउंड देखोगे तो मोटो में भाई डॉल्बी एटम्स की वजह से आपको क्लियर और लाउड मतलब साउंड निकाल के देता है, ऐसा नहीं है कि भाई इन्फिनिक्स बेकार है, बट थोड़ा सा बेटर आपको मोटो में साउंड निकाल के देता है। तो ये था दोस्तों दोनों ही फोन का लुक, डिजाइन और फीचर्स में आपको जो अंतर देखने को मिलता है वो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं यहां पर मोटो का फोन को ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहां पर आपको रैम और रोम ज्यादा मिल जाता है, साथ ही साथ यहां पर OIS देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ दोस्तों यहां पर 6000 mAh का बैटरी है, उसमें बैटरी बैकअप में थोड़ा सा इशू है, बट मुझे लगता है अपडेट से यह सोल्व हो सकता है। बाकी क्लीन UI मिल जाता है, और जो चिपसेट है भाई Dimensity 7020 थोड़ा सा बेटर हमें मिलता है, मतलब इस बजट में हमें दूसरा कोई फोन में देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज मुझे अच्छा लगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इन्फिनिक्स नोट 35G बेकार फोन है, इस बजट में काफी अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है दोस्तों, लेकिन जो अंतर था जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको हॉनेस्ट ओपिनियन के साथ बताया गाइस। बाकी दोनों ही फोन का अनबॉक्सिंग आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना। मेरा जो वेबसाइट है दोस्तों www.amittechnology.in, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं, या फिर गूगल पे सर्च करके एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।